भी है कि आखिर ऐसे हालात में किस बात की महुआ और किस बात की ममता। इधर कश्मीर से लेकर केरल तक डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा की गारंटी वो चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर गांधीनगर तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मरीजों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। फांसी से कम हम कोई सजा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उससे कम है। इतने इतने बड़े, इतने गंदे क्राइम के लिए उससे कम कोई सजा नहीं होगी। कब महिला इस देश में सुरक्षित होंगी? क्या हम 78 मास स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये क्या ये आजादी है? कोलकाता कांड पर कश्मीर से लेकर केरल तक डॉक्टर सड़कों पर उतर गए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर गांधीनगर तक और कोलकाता से लेकर केरल तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं, ठप पड़ चुकी हैं। मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है। बमुश्किल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा उठी। गनीमत है कि अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं, लेकिन कल यानी शनिवार को पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल होंगे। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा है कि शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे देश भर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल होगी। केंद्र सरकार के सामने IMA ने जो डिमांड रखी है उसके मुताबिक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, अस्पतालों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़े, एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी अस्पतालों की सुरक्षा हो, प्रोटोकॉल का पालन हो, कोलकाता की मृत डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिले। कल सुबह 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक का 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ अवर सर्विसेज का कॉल दिया है। और हमारे साथ मैं कहता हूं कि सभी पैरामेडिकल और मेडिकल, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, सभी लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जो बच्ची अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहां सेफ होगी। RML अस्पताल आए कई मरीजों को फौरन इलाज की जरूरत है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। डॉक्टर ने वहाँ से हमें भेज दिया, बोला कि अभी कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। 25वां नंबर था, सबको भगा दिया, 2-4 देख के कह रहे हड़ताल होके जाइए और आप न्यूज देख के आइएगा। बोल रहे हैं कि आज हड़ताल है, आज हम लोग नहीं देखेंगे हड़ताल, कि दवाई आज खत्म हो गया है, उल्टी हो रहा है। खुद कोलकाता के सबसे बड़े MBS अस्पताल में 600 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल के OPD में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीज रोज आते हैं और निराश होकर वापस चले जाते हैं। डॉक्टरों की मांग जायज है, उनके जल्दी से जल्दी आए जिससे पब्लिक शांत हो। अभी सब इन्हें राउंड भी कर रहे हैं डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, और सीनियर डॉक्टर बैठे हुए भी हैं। यहाँ के तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीन हड़ताल में। पेशेंट की तो हेल्थ पे बात होती ना, इसका एक अलग सिस्टम होना चाहिए कि ठीक है, जस्टिस अपनी जगह है, गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। मारना पीटना इतना इजी हो गया है, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मानने को राजी। तो यहाँ तो काउंटर बंद है और डॉक्टर तो कह रहा है बैठा ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम लोग रिटर्न घूम के जा रहे हैं। आज कोई है ही नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस सब ऑफ है, कुछ नहीं है, बंद है सारा। बच्चों को दिखाना है, इतना चक्कर काटे, कोई डॉक्टर सुन रहा ही नहीं है, कभी इधर भगा रहे, कभी उधर भगा रहे, कितने दिन हो गए दाखिल हो रहा, किराया भाड़ा लगता गरीब आदमी का। देश भर के मरीजों पर कल शनि भारी है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी मरीजों के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में सबकी उम्मीद सरकार से है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराए।